हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीट होम पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी कलरफुल नारियल बर्फी, जो बहुत ही कम सामान में और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो बस आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप फ्रेश नारियल लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसके जो पीछे का जो ब्लैक पोर्शन होता है उसे मैंने हटा दिया था, थोड़ा पील करके इस तरीके काट के। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एकदम इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का दरदरा ही रखा है। अब मैं इसको अपने बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब इसमें मैंने 1 कप ही ये मिल्क पाउडर ऐड किया है। और 2 टेबल स्पून मैंने ली है यहाँ पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट नारियल और जो मिल्क पाउडर होता है उसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है, इसलिए चीनी कम ही डालना है। और यहाँ मैंने 2 से 3 इलायची का पाउडर लिया है। इसे मैंने चीनी के साथ मिक्स कर लिया था, मिक्स करके पीस लिया था। अब बस मैं इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा जो मिक्सचर है इसको मैं अलग कर दूंगी, और जो मेरा बाकी बचा हुआ है इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप रेड फूड कलर का ऐड कर दूंगी। देखिए, कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कितना प्यारा पिंक कलर आ चुका है। अब हम इसको रख देंगे एक साइड। और जो हमने थोड़ा सा पोर्शन बचा के रखा था, इसमें यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के ले सकते हैं। यहाँ मैंने काजू और बादाम लिए हैं, ये लगभग 2 टेबल स्पून है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा घी लगा के अपने हाथों को ग्रीस कर लूंगी, ताकि जो मिक्सचर है मेरे हाथों में ना चिपके। और थोड़ा सा घी मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी। देखिए, इसे मैंने इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है। अब मैं इसको स्क्वायर शेप करूंगी, इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके। देखिए, एकदम परफेक्ट शेप आ गया है। अब मैं ये दूसरा बैटर भी हाथों में हल्का सा घी लगा के ग्रीस करके इसे भी ले लूंगी, ताकि ये चिपकेगा नहीं। देखिए, मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब यहां मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल लिया है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी और इसके ऊपर मैंने पिंक वाला मिक्सचर रख दिया है। अब इसमें इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फैला दूंगी हाथों की हेल्प से। आप चाहे तो बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। देखिए, मैंने रेक्टेंगुलर शेप में इसको इस तरीके से बढ़ाते जाना है। ये देखिए, इसे मैंने हाथों की हेल्प से फैला दिया है। और जो मैंने इसको बनाया था स्टफिंग को, इसी के साइज का मैंने इसे कर लिया है। अब इसको मैंने यहाँ सेंटर में रख दिया है और फॉइल को लेके आराम से बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से हमने रैप करना है। धीरे से आप ये फॉइल हटा दें। दूसरी साइड से भी सेम है जी। देखिए इसका शेप। बस अब मैं इसी फॉइल में इसको इस तरीके से रैप करके 1.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी।
मुझे आधा घंटा हो चुका है और मेरी ये मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। देखिए मैं इसे फॉइल को रिमूव कर देती हूँ। अब मैं इसको हाफ कट कर लूंगी नाइफ की हेल्प से। अब यहाँ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है तो एक रोल पे मैं इसको अच्छे से चढ़ा दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया है और इसको अच्छे से मैंने इस पे चढ़ा दिया है। देखिए इस तरीके से अब ये मैंने कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता लिए हैं। इसको मैं दूसरे रोल के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। तो देखिए ये दोनों रोल हमारे इस तरीके से तैयार हैं। अब हम इनको कट करेंगे। देखिए कितना बढ़िया पीस कट करके बाहर आया है। इसी तरीके से दूसरा भी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही आसानी से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही कम सामान में तैयार हो जाती है। आपने खुद भी देखा कि कितनी सुंदर लग रही है। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कलरफुल नारियल बर्फी बनकर तैयार है। कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। देखिए आप खुद देख सकते हैं। देखिए तो बस आप भी फटाफट इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। थैंक यू।